गुजरात का विकास मॉडल, अगर बीजेपी इसे अपने लिए सबसे बड़ा गौरव बताती है तो कांग्रेस इसे गुजरातियों के साथ सबसे बड़ा धोखा कहती है। इस गुजरात मॉडल को लेकर दोनों ही दलों के बीच एक बड़ी महाभारत की स्थिति पैदा हो गई है। बीजेपी उम्मीद कर रही है कि इस गुजरात मॉडल के दम पर वो एक बार फिर गुजरात में सत्ता हासिल करेगी। देखना यह है कि क्या कांग्रेस गुजरात के लोगों को समझा पाती है कि गुजरात में विकास पागल हो गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ गुजरात सरकार के तीन खास मंत्री हैं। चुनाव मंच में मेरे साथ शंकर चौधरी हैं, गुजरात सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ खेल और युवा मामलों के मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी साहब हैं और शिक्षा राज्य मंत्री नानू भाई बनानी हैं। और चुनाव मंच में अब हम इनसे बात करेंगे जिसकी इतनी चर्चा हो रही है, वो गुजरात मॉडल आखिर है क्या। शंकर जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगी, आप लोग गुजरात मॉडल की तारीफ करते नहीं थकते हैं, लेकिन वहां राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये गुजरात मॉडल तो पूरी तरह एक्सपोज हो गया है, यहां गुजरात में विकास पागल हो गया है। विकास पागल नहीं हुआ है, विकास युवा हुआ है। और रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी जहां पर खड़े थे और जहां पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया, थोड़े पीछे मुड़कर देखते जो रिवर फ्रंट पर, तो उनको पता चल जाता कि डेवलपमेंट क्या है। मैं मानता हूं कि इतनी ही बात काफ़ी थी। राहुल गांधी के बारे में मुझे लगता है कि कोई अभी कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, पूरे देश ने देख लिया है कि राहुल गांधी क्या है। राहुल गांधी पूरे देश ने देख लिया, और ऐसा लग रहा है कि आपको भी कहीं ना कहीं उनका डर सता रहा है नानू भाई, शायद इसी वजह से चुनाव के एन पहले आप लोग सरकारी जो कर्मचारी हैं उनका डीए बढ़ा रहे हैं, आप पेट्रोल के दाम कम कर रहे हैं, आप रिंग रोड में टोल फ्री कर रहे हैं, ये सब क्या जनता समझेगी नहीं कि ये चुनावी रेवड़ियां हैं? हमने गुजरात को डेवलप किया है, फिर डर कहीं का? डर तो उसके लगता है, उसको लगता है कि जिसने कुछ नहीं किया। हम डरने वाले में से नहीं है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमने सलामती दी, सुरक्षा दी, हमने पानी दिया, हमने अच्छी शिक्षा दी, हमने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, हमने अच्छी पॉलिसी दी। इस पॉलिसी की वजह से लोग अपने आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हम क्यों डरे? गुजरात का मॉडल लेकर पूरे देश में हम गए हैं, तो गुजरात में से हम डरने वाले नहीं है। गुजरात में हम सीना तान के गुजरात की जनता के सामने जा रहे हैं, और हमको भरोसा है गुजरात की जनता पर। हम विजय के विश्वास से साथ, विजय के साथ हम वापस लौटे। यही बात कुछ दिन पहले कांग्रेस ये बोल रही थी कि आप टीएडी नहीं बढ़ा रहे, आप ये आंदोलन कर रहे, उनका समस्या का उल्लेख सुलझा नहीं रहे, ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है। कांग्रेस ने कहा कि ये समस्या है, पहले वही बोलते थे कि आप ये समस्या का उकेल करिए, तो तब वो उकेल नहीं कर रहे वो बोल रहे थे, आज उकेल कर दिया तो वो बोल रहे कि उकेल क्यों कर नहीं रहे? वो ये कह रहे हैं कि आप बिजली दे रहे हैं, आप पानी दे रहे हैं, आप सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन चंद उद्योगपतियों को दे रहे हैं, गुजरात की जनता को नहीं दे रहे। नहीं, बिल्कुल आपकी बात जो है मैं इनके साथ में सहमत नहीं हूं। एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ है, मैं मान लूं कि आपने पानी की बात करी, बिजली की बात की, गुजरात के किसानों को बिना कोई टिपिंग 8 घंटे बिजली मिल रही है, एक भी टिपिंग नहीं आ रहा है, अभी 10 घंटे चल रही है। दूसरी बात, हर एक गांव में कॉमन पीपल जो बीपीएल है वहां तक 24 घंटे बिजली मिल रही है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। इंडस्ट्रियलिस्ट की आप बात करके गुजरात को बदनाम करने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर गुजरात में इंडस्ट्री डेवलप होती है तो मैं मानता हूं कि ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, युवाओं को रोजगारी मिलेगी। इंडस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि वो डेवलपमेंट के ऑपोज में है, इंडस्ट्रीज और ग्रोथ दोनों एक साथ में जुड़े हैं। मान लो कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, वैल्यू एडिशन करना है, किसान ने तैयार जो भी चीज़ की है जो अगर इंडस्ट्रीज में नहीं जाएगी, वैल्यू एडिशन नहीं होगी, तो उनको जो प्राइज मिलना है वो नहीं मिल पाएंगी। तो एक दूसरे के ऑपोज में नहीं है, एक दूसरे को ये पूरक है। राजेंद्र जी,
ये बात बार बार आरोप आप पर लगता है कि आंकड़े गिनाने में आप लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ आंकड़े आप लोग भूल जाते हैं। 2015 में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में 2,45,000 लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराया, जिसमें 88,000 लोग सिर्फ अहमदाबाद में थे। शहर में ये हालत है, गांव में क्या होगा? हम जो है सिर्फ नौकरी मतलब सरकारी नौकरी नहीं समझते हैं। अगर हम रोजगार उपलब्ध कराते हैं तो 90,00,000 के करीब में हमने गुजरात में रोजगार उत्पन्न कराया, लोगों को अपने पैर पे खड़ा किया। और आपको जान के खुशी होगी कि जो हम गरीब कल्याण मेले करते हैं, 17,000 करोड़ रुपया सीधा गरीबों के जेब में हमने दिया। मैं कल की बात कर रहा हूँ, कल 800 करोड़ रुपया बड़ौदा में हमने गुजरात के बड़ौदा के गरीबों को दिया, सीधा उनको साधन दिया। साधन की वजह से वो अपने पैरों पे खड़े होते हैं, अपने फैमिली को सपोर्ट करते हैं, खुद कमाते हैं, खुद रोजगार करते हैं। तो इनकी गिनती कोई नहीं करता। और इसीलिए आप देखो, विकास की बात पे हैं तो मुझे बड़ा इत्मीनान से कहना पड़ेगा कि विकास का मॉडल आदरणीय मोदी जी गुजरात से लेके पूरा हिंदुस्तान का, लोकसभा का, संसद का चुनाव लड़े, परिणाम बताता है। यही लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश में हमारी कुछ नहीं चलेगी, विधानसभा में हमारे 125 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी, 325 सीट अकेले हाथ से लेके हम लोग आए, मजबूती से आए। यही बताता है कि गुजरात का मॉडल सफल है और यह स्वीकार्य है पूरे हिंदुस्तान को। ठीक है, 325 सीटों की बात वहां कर ली, यहां पर 150 सीटों की बात हो रही थी, 150 मिशन की। बहुत दिनों से उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, क्यों? जीत तो हमारी तय है, और जो ज्यादा की सीटें लानी है 150 ठान के बैठे हैं। आपको कल ही दिखेगा हमारे 8,00,000 पेज प्रमुख है गुजरात में, 8,00,000। और कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी उन सबको संबोधन करने वाले हैं। यही दिखाता है कि 150 प्लस हमारी सीटें आएंगी। शंकर जी, दूसरे तरीके से पूछती हूँ, मिशन 150 की बात आप लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब लग रहा है डर? नहीं मैडम जी, ऐसी ऐसी डर किसको लगता है, जिन्होंने काम नहीं किया उनको लगता है। मैं मानता हूं कि मैं सीध फिगर दूं तो मान लो कि युवा रोजगार की बाबत है, उनमें सारे देश में गुजरात नंबर 1 पर है। दूसरी बात, पारदर्शिता कितनी आई, कुछ साल पहले जब बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी तब ट्रांसपोर्ट और भर्ती दोनों एक बड़ी इंडस्ट्री थी। अभी पारदर्शिता के कारण अभी 1,00,000 जितनी गवर्नमेंट की नौकरियों में भर्ती हुई, एक भी आक्षेप नहीं हुआ है। जीपीएससी बोर्ड ने जो 1 साल पहले टोटल तैयार करके रिपोर्ट दिया है कि ये तारीख पर ऑन ये इंटरव्यू होगा, कोई एलिगेशन भी नहीं कर सके, ऐसी व्यवस्था पहली बार हुई है। दूसरी बात, शिक्षकों की भर्ती ट्रांसफर जो होती थी, ये माननीय नानू भाई यहाँ पर आए हैं अभी मंत्री जी के तौर पर, पहले किसी नेता का झब्बा पकड़े तभी कोई टीचर की ट्रांसफर होती थी, अपॉइंटमेंट हो या तो ट्रांसफर हो। अभी पारदर्शिता आई है, किसी की कोई सिफारिश की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। एक बात ये ग्रोथ की बात आप अभी बोल रहे हैं कि आपकी डर किसको होता है। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आ रहा हूं, एग्रीकल्चर का ग्रोथ डबल डिजिट में हुआ, दूध मैं एक डेयरी के साथ में जुड़ा हूं। मैडम आप ये फिगर मानने को तैयार होगी या नहीं मुझे आई डोंट नो, पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट से मैं आ रहा हूं, पर मंथ हम लोग किसानों को 500 करोड़ रुपीस हैंड टू हैंड उनके खाते में जमा कराते। 500 करोड़ की बात कर रहा हूँ, वो वर्ल्ड में कहीं पर नहीं है, वो गुजरात में है। ठीक है, मोदी जी जब थे यहाँ पर, मोदी जी जब आए उनसे पहले कितनी आवक थी, पूरे गुजरात की मिल्क की इनकम 10 करोड़ थी पर डे। अगर ये विकास पूरे ये मंथ की बात कर रहा हूँ, और ये यहाँ तक एक डिस्ट्रिक्ट की मैं बता रहा हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट की बात है, एक दिन का आज 1.5 करोड़ रुपया दूध की कीमत है, वो एक दिन की 1.5 करोड़ रुपया का दूध वर्ल्ड में जा रहा है, पूरे देश में भी यहां से जा रहा है। मैं मानता हूं कि ये जो मॉडल अलग से नहीं तैयार किया होता तो ये नहीं हो पाता। मैंने कहा 10,00,000 नहीं था वहां पर, 1.5 लाख हो गया। ये तस्वीर आपने दिखाई बहुत अच्छी लगी, लेकिन कुछ तस्वीरों को आप देखना नहीं चाह रहे हैं। अगर ये गुजरात मॉडल इतना सक्सेसफुल है, सफल है, तो क्यों पाटीदार सड़कों पर उतरे, वो भी तो रोजगार और शिक्षा को लेकर सड़कों पर उतरे? क्यों दलित आज आंदोलन कर रहे हैं आपके खिलाफ? नहीं, आंदोलन नहीं किया होता तो आप बोलते हैं कि यहाँ पर कोई किसी को आवाज उठाने का अधिकार नहीं है। लोकशाही के अंदर कोई भी आवाज उठाए उनका अधिकार है, उनमें कोई रोके वो बात नहीं है। आवाज उठाए, अपनी बात रजू करे,
गवर्नमेंट उनकी बात सुने, जितना हो पाता है बंधारण के दायरे में रहकर वो करे। गवर्नमेंट बात सुने या गवर्नमेंट लाठियां चलाए और बाद में चुनाव के समय केस वापस ले ले। नहीं नहीं नहीं, ये आप जो बोल रही है, लॉ एंड ऑर्डर और व्यवस्था जो भी करना वो गवर्नमेंट ठीक ढंग से कर रही है, मैं मानता हूं। और कोई किसी समुदाय के साथ में संवेदनापूर्ण व्यवहार करती है तो मैं मानता हूं कि वो बुरी बात नहीं है। अगर आप, मैं आपसे एक मुद्दा बताना चाहता हूं, अगर आप मुझे परमिशन दे, इजाजत दें, आपकी बड़ी विनम्रता से बताना चाहूंगा। एक विभाग की बात करते हैं, आदरणीय मोदी जी ने 2010 में खेल महाकुंभ एक ऐसा शब्द दिया और उस खेल महाकुंभ के जरिए सोचिए एक सोच कहां तक जाती है, विकास क्या होता है, सर्वांगी विकास। तो खेल महाकुंभ के माध्यम से इस बार विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद, बारिश अतिवृष्टि होने के बावजूद 40 लाख गुजरातियों ने, रमत वीरों ने रजिस्ट्रेशन करवाया और 34 लाख बच्चों ने खेला, इसमें 42 करोड़ के हमने इनाम दिए। अब आप कहेंगे विकास क्या हुआ, विकास क्या हुआ? जब इतने करोड़ लोग खेलते हैं जी, 6.5 करोड़ में से, अब इसके ऊपर से सोचिए कि खेलो इंडिया आदरणीय मोदी जी ने शुरू किया, अभी 3 साल हुए, और गुजरात जिसको कहते हैं कि हम तो पापड़ी खाने वाले, गाठिया खाने वाले, फाफड़ा खाने वाले लोग, दाल भात खाने वाले लोग, खेलो इंडिया के अंदर 99 मेडल से पहली बार गुजरात फर्स्ट नंबर पे आया। ये विकास का एक तरीका है, एक सोच है, विकास की एक चिंगारी कहां तक पहुंचती है। नानू भाई, आप लोग नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं, जाहिर है अच्छी बात है, प्रधानमंत्री हैं देश के, लेकिन वो अब केंद्र की राजनीति में जा चुके हैं। कब तक नरेंद्र मोदी के नाम पर ही गुजरात में वोट मांगे जाएंगे? गुजरात के अपने नेताओं का क्या हाल है? ये नाम पे वोट नहीं मांग रहे हम, उन्होंने जो विकास का रास्ता तय किया है वो रास्ता सही रास्ता होने की वजह से हमने उस रास्ते को पकड़ा है। मैं बताता हूं, आज का जो विषय है इस डिबेट का, वो गुजरात मॉडल का है। गुजरात मॉडल देश ने दिया किसको? नरेंद्र मोदी जी ने। तो हम नरेंद्र मोदी की बात नहीं करें तो किसकी करें? मॉडल तो नरेंद्र मोदी जी, मेरी बात सुनिए, देश को गुजरात मॉडल नरेंद्र मोदी ने दिया है। लेकिन उनके बाद आनंदीबेन पटेल आई, विजय रूपाणी आए, उनकी भी बात होगी। मॉडल, इस गुजरात मॉडल को देश की जनता ने स्वीकृति दी है। राहुल गांधी दिन में सपने देख रहे हैं, मैं मानता हूं कि गुजरात ने कांग्रेस को देखा है। गुजरात ने वो कांग्रेस देखी है कि पूरे दिन कर्फ्यू के अलावा कुछ नहीं रहता है, हर एक गांव का नाम एक एक गुंडा के साथ में जुड़ा था। ये लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था गुजरात में ये ढंग की थी। आप वो समय, गुजरात राहुल गांधी जो बता राहुल गांधी जो बता रहे हैं वो गुजरात कांग्रेस ने ये मॉडल दिया था, बेरोजगारी का मॉडल दिया था, अराजकता का मॉडल दिया था, दुष्काल का, अकाल का मॉडल दिया था। गुजरात की प्रजा ने देखा है। आप लोगों पर लग रहा है कि आप उस तरह आप एक डर की तस्वीर पेश करना चाह रहे हैं, ये डर का माहौल आप तैयार करना चाह रहे हैं। मैडम, डर का डर की बात नहीं है, ये गुजरात मॉडल नहीं है। हम बता रहे हैं कि ये कंपैरिजन है, 10 साल के बाद 20 साल से पहले क्या था, आज क्या है। गुजरात में आने वाले दिनों में जो चुनाव आ रहा है उसके अंदर भी आप लोगों ने कांग्रेस के लोगों को लिया है और उनको टिकट देने वाले हैं, और आप किस तरह के गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं कि युवा जो इतने बेरोजगार है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है। राजनीति में परिवर्तन होता रहता है, और जैसे आपने परिवर्तन बताया कि कांग्रेस वाले कोई भाई हमारे में आए, आप भी अगर अच्छे हैं तो हम आपको भी ले लेंगे। अच्छे आदमियों की हमारे यहाँ कमी नहीं है और हम लेंगे भी। अगर आप अच्छे हैं तो हमारे पास आगमन आपका स्वीकार्य है। हमें रोड नहीं है ऐसा बताया आपने, रोड नहीं बताया, रोड की बात कर रहे हैं। रोड की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है सर। इसका मतलब है कि रोड बनाया हमने तब तो रोड अहमदाबाद में पहले ही थे सर, रोड पहले ही थे। कांग्रेस के जमाने में रोड ही नहीं थे तो खड्डे की बात क्यों करते हैं? सवाल मुझे लेने, आपका सवाल पूरे गुजरात में आप किसी भी प्रदेश का आदमी आए यहाँ पे, उसे पूछिए रस्ते के ऊपर जाके, ग्राउंड रियलिटी जानिए कि गुजरात का रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया है कि पूरा हिंदुस्तान तारीफ करता है। सवाल घूम फिर के एक ही है कि गुजरात मॉडल ये आपका जो है वो बिल्कुल फेल है। जो बात ये कह रहे हैं एयरपोर्ट्स को लेकर कि आप लोग सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं, उनका काम कब पूरा होगा? जो कांग्रेस के एजेंडा के साथ में जो अगर आप आए हैं, उस लोग
तो मैं मानता हूं कि आपको बात तो ये भी सुननी पड़ेगी। 20 साल पहले जो कैनालों का काम कांग्रेस पार्टी के कर दिया होता तो ये हमने नहीं करना पड़ता, लेकिन हम लोग अभी कर रहे हैं। मैं मानता हूं अभी 80% जितना काम पूरा किया है, माइनोर सब माइनोर का काम पूरा हुआ है जहां जहां पर, और अभी पाइपलाइन डालकर हरेक के खेत तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। रही बात आपने एसआईआर की बात की, जो गुजरात का ये विकास मॉडल है, इसे गुजरात की इसी धरती पर एक बार फिर अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा, और ये इस अग्नि परीक्षा में पास होगा या फेल ये आप लोग तय करेंगे, गुजरात की जनता तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।